तो दोस्तों आप अगर 160 सेगमेंट के अंदर बाइक लेने के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो आपके पास और एक ऑप्शन आ चुका है। हीरो एक्सट्रीम 160R की न्यू अपडेट एंड चेंजेस मॉडल हीरो ने आज ही की डेट पे लॉन्च कर दिया है एंड बहुत सारे चेंजेस हो चुका है इस बाइक के अंदर। माइलेज से लेके, टॉप स्पीड से लेके, स्पेसिफिकेशन से लेके, टायर साइज से लेके, USD सस्पेंशन से लेके, स्प्लिट सीट से लेके बहुत सारे चेंजेस हो चुका है। पूरे डिटेल्स में बताऊंगा क्या क्या चेंजेस है, न्यू मॉडल की प्राइस क्या है, आपको माइलेज कितना मिलेगा, टॉप स्पीड कितना मिलेगा, बाइक्स के अंदर क्या क्या एक्चुअल में चेंजेस हुआ है, पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल भी स्किप या फिर मिस मत करना। सो आई एम सुदीप फ्रॉम द रिव्यू सिर्फ राइडर्स एंड अब सभी को रिव्यू सलाम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी टोटल 3 वेरिएंट इंडियन टूलर मार्केट पे लॉन्च किया गया है जो कि अपडेट एंड चेंजेस के साथ ही आया है। एंड तीनों ही वेरिएंट पर आपको USD सस्पेंशन मिलेगा 37mm की, वो भी गोल्डन कलर के साथ। एंड आपकी बाइक के अंदर अगर USD सस्पेंशन होता है ना तो बाइक दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। इवन बाइक की जो कॉर्नरिंग होता है सस्पेंशन की वजह से जो कंफर्ट होता है ना वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो हीरो की इस अपडेट एंड चेंजेस मॉडल के साथ आपको गोल्डन कलर की 37mm की USD सस्पेंशन मिल रहा है। एंड जो टोटल 3 वेरिएंट लॉन्च हुआ है ना वो पहले वाला मॉडल है बेस वेरिएंट जिसकी प्राइस काफी कम रखा जाएगा, दूसरा मिड वेरिएंट जिसकी प्राइस थोड़ा सा हाई रखा जाएगा एंड तीसरा होता है प्रो वेरिएंट। इसके अंदर भी आपको काफी सारी चीजें अपडेट एंड चेंजेस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस बाइक की हेड के बारे में जो कि सेकंड चेंजेस है। इस बाइक की जो हेड थे ना वो पहले से काफी डाउन कर दिया गया है ताकि बाइक की जो लुक से वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, इवन आपको काफी पसंद आएगा। आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो ये है हीरो एक्सट्रीम 160R की पुराना वाला फोटोज एंड ये अपडेट एंड चेंजेस मॉडल की फोटो। सो यहाँ पर आप लोग नोटिस कर सकते हो बहुत ही ज्यादा चेंजेस हो चुका है। इसकी जो हेड था इसको डाउन कर दिया गया है ताकि बाइक अट्रैक्टिव लगे दिखने में। तीसरा चेंजेस ये है इसकी जो टैंक है ना, यहाँ पर जो कावल नोटिस कर सकते हो टैंक कावल बिल्कुल बदल चुका है। पहले कुछ ऐसा दिखता था बट अब अपडेट एंड चेंजेस मॉडल पे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। इवन फोर्थ चेंजेस ये हुआ है इस बाइक के अंदर कलर एंड ग्राफिक्स का भी चेंज हुआ है। जो प्रो वाला मॉडल है यहाँ पर इतनी सारा कलर ऑप्शन आपको मिल जाता है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड मैस्कुलर लगता है भाई। एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा टोटल 3 मॉडल पर ही आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स मिलेगा जिसके कारण आप अपनी फ़ोन को बाइक के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर USD सस्पेंशन आया है, इतनी ज़्यादा चेंजेस आया है तो बाइक की जो वजन था ना वो पहले से इंक्रीज हो चुका है। अराउंड आपको 5-10 kg एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा क्योंकि USD जो सस्पेंशन होता है उसकी वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब देखो वजन थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है तो इसके अंदर पावर भी इंक्रीज कर दिया गया है। फाइनली ये हीरो एक्सट्रीम 160R अपडेट एंड चेंजेस मॉडल आपको ऑयल कूल के साथ 16.9 bhp पावर प्रोड्यूस करता है, यानी कि लगभग आपको NS160 Apache 164B की तरह इसके अंदर भी पावर मिल रहा है। आप जाके हीरो एक्सट्रीम 160R NS160 Apache 164B इन सभी बाइक के साथ टक्कर कर सकता है। एंड आप लोग नोटिस कर सकते हो यहाँ पर स्प्लिट सीट भी ऐड कर दिया गया है जिसके कारण बाइक भाई बहुत ही मैस्कुलर लग रहा है। इवन स्प्लिट सीट यानी कि जो पिलियन पर बैठेगा अब उसको बहुत ही ज्यादा कंफर्ट महसूस होगा। देखो पहले इस पर जो सिंगल सीट आता था वो वेरिएंट भी अभी तक अवेलेबल है, यानी कि जो टोटल 3 वेरिएंट है ना उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। इसकी जो टोटल एक्सरूम प्राइस होगा 1,36,000 रखा जाएगा। इवन रियर पर जो मोनोसक सस्पेंशन था उसको भी चेंज कर दिया गया है, अभी इस पर आपको प्रीलोडेड एडजस्टेबल मोनोसक सस्पेंशन प्रोवाइड किया जा रहा है। फ्रंट पर KYB की 37mm की USD सस्पेंशन, इस पर जो पिलियन सीट था वो भी चेंज हो चुका है, वो स्प्लिट सीट के साथ आ रहा है। इवन यहां पर पावर भी चेंजेस हो चुका है, 16.9 bhp पावर अब आपको मिल रहा है 40 Nm टॉर्क के साथ। इसकी वेट भी एक्चुअल में बढ़ चुका है। इवन इस बाइक के अंदर आपको USD सस्पेंशन तो मिल रहा है, ऊपर से आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स के साथ डिजिटल मीटर कंसोल भी मिल रहा है, और भी है दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको USB चार्जिंग पोर्ट का भी ऑप्शन मिल रहा है। सो इतनी ज्यादा स्पेसिफिकेशन भाई अब फाइनली इस बाइक के अंदर आ रहा है। बट बाइक एक चीज में बहुत ही पीछे रह जाता है, वो है ड्यूल चैनल ABS। आप चाहे इसकी प्रो वर्जन ही परचेस कर क्यों ना लो, आपको ड्यूल चैनल ABS नहीं मिलेगा, आपको पहले की तरह सिंगल चैनल ABS के साथ आएगा। एंड जो डिस्प्ले पहले था वही डिस्प्ले यहाँ पर आ रहा है,
टायर साइज में भी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, बट बाइक दिखने में पहले से बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। आप अगर ब्रेकिंग सिस्टम को थोड़ी सी माइनस कर सकते हो, यानी कि आपको उतनी अच्छा ब्रेकिंग नहीं चाहिए, क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको ड्यूल चैनल एबीएस की सेटअप नहीं मिलता है, सिंगल चैनल एबीएस की सेटअप मिलता है, आप इसको कंसिडर अगर कर सकते हो, तब जाके हीरो एक्सट्रीम 160R बहुत ही बेहतरीन मॉडल है, क्योंकि इस बाइक के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आप अगर NS 160 के साथ इस बाइक की कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्लिक कीजिए, आपको वो वाला वीडियो भी मिल जाएगा। MT 15 2.0 के साथ भी इसकी कंपेयर वीडियो है, आपको मिल जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।